Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good and thank you so much for clicking on this video. ये वाली video Boo Boo and Doo Doo Nail Art की detail video है जिसके लिए आप लोगों ने request की थी. वैसे ये वाली nail art की video तो मैं upload करती कभी ना कभी, but हो सकता था कि मैं इसे थोड़ा late में upload करती, but आपने जैसे कि request किया इसलिए मैं इसे आज ही upload कर दे रही हूँ. इस video में मैं आपके साथ सारी detail share करूँगी कि मैंने ये nail art कैसे बनाई, क्योंकि आप लोगों में से कुछ comment ऐसे आए थे कि ये वाली नेल आर्ट पूरा स्टिकर जैसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने अपने हाथों से मतलब ब्रश यूज करके बनाया है अपने हाथों से. तो इसके लिए पहले मैंने बेस नेल पॉलिश लगा ली है और उसे मैंने बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया है, क्योंकि जब भी हम ब्रश से नेल आर्ट करते हैं ना तो उससे पहले हमें अपनी बेस नेल पॉलिश को बहुत अच्छे से ड्राई कर लेनी है और उसके बाद ही हमें ब्रश चलानी है अपने नेल्स के ऊपर. सो ये वाली जो ब्रश मैं यूज की हूँ ना, जिसके लिए आप लोगों ने कॉमेंट करके पूछा था कि ये कौन सी वाली ब्रश है, ये मोडा ब्रश की है. उन्होंने एक न्यूली लॉन्च किया है नेल आर्ट किट जिसमें से ये एक ब्रश है और ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. मैंने इसे यूज़ किया है अब तक की, आई थिंक ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, अच्छी तो होगी ही, बट मतलब मैं पहली बार इतनी अच्छी ब्रश यूज़ कर रही हूँ. अभी तक मैंने बस 200-250 रुपए की ही ब्रश यूज़ की थी, उससे भी अच्छी बनती है. उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत बुरी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के बनाना पड़ेगा तब जाके वो अच्छे से बन जाती है. उस मतलब जो हमारी 200-250 में आती है ना उसमें भी बन जाएगी, थोड़ा सा कम फिनिशिंग आएगा, बट हाँ उससे भी ये नेल आर्ट बन जाएगी. थोड़ा सा टाइम भी लगेगा बट अच्छे से इजीली भी बन जाएगी. बस ये वाली ब्रश थोड़ी सी अच्छी है जिसकी वजह से ये बहुत इजीली बन गई. मतलब इसी एक ही नेल की आर्ट बनाने में ना मुझे कुछ 2-2.5 मिनट के अंदर ही लगा, नहीं तो अगर मैं दूसरे ब्रश से करती ना तो मिनिमम 4-5 मिनट लग ही जाता, क्योंकि थोड़ा बहुत स्लोली करना पड़ता है. ओके, बट इससे थोड़ा मैं जल्दी बना रही थी. और जब मैं इसे फिल कर रही थी ना, मतलब इसका नाम डूडू है ना, हाँ, तो इसे जब मैं फिल कर रही थी ना लाइट ब्राउन कलर से, वो इतना ईजीली फिल हो जा रहा था. मतलब नॉर्मल ब्रश से ना फिल करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, नो डाउट, बट उसका रिजल्ट इतना परफेक्ट नहीं आता है. बट इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आ रहा था, जिसको देख के आपने कहा कि हाँ ये थोड़ा मतलब स्टिकर वाला लुक दे रहा था. और सच बता रही हूँ, मैं ना थोड़ा कैरेक्टर वाली नेल आर्ट बनाने से ना थोड़ा सा डरती हूँ और थोड़ा सा दूर भागती हूँ. मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैरेक्टर वाली नेल आर्ट लेट में बनाऊँ. अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बनाना ही पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा उसे डिले करती हूँ ताकि खुद को मना सकूँ और खुद को रेडी कर सकूँ इस आर्ट को बनाने के लिए. तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया. मैं तो पहले जब वीडियो में अपलोड की थी ना अनबॉक्सिंग वाला, और उसमें बू बू डू डू की कमेंट में इतने सारे लाइक्स जब आ गए ना, तो मैं सोचने लगी यार मैं कैसे बनाऊंगी इसे, ये अच्छे से बनेगी भी नहीं. और उसी दिन ही पावर कट हुआ, बारिश हुआ और लाइन नहीं रही ना, मैं इंडोर नेल आर्ट शूट ही नहीं कर पाई. तो मुझे उसी बीच ना थोड़ा सा टाइम मिल गया खुद को मनाने के लिए, और थैंकफुली 2 दिन मतलब ऐसे चल गए. थोड़ा स्ट्रेस ले रही थी मैं, ओके, ऐसा नहीं कि यार वीडियो नहीं अपलोड करी हूँ क्या होगा, ऐसे इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है, मतलब ठीक नहीं है ये, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. मैंने रियलाइज़ करा जब ये नेल आर्ट बहुत अच्छे से बन गई. मतलब वो 2 दिन ही मैं सोचने में चला गया था कि मैं सोचती थी, मैं वीडियो नहीं बना रही थी बट मैं सोचती थी यार ये बहुत ही बुरी बनेगी, सबने इतना मतलब कमेंट किया है, ऑब्वियसली सब ने सोचा होगा कि वो एक अच्छी नेल आर्ट देखेंगे, अगर मैं ख़राब बना दूंगी तो सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे. तो थैंकफुली मैं थोड़ा सा स्लोली और अपने आप को थोड़ा सा काम करके मैं ये नेल आर्ट बनाई और थैंकफुली बहुत अच्छे से बन गई. और जब इसका रिजल्ट बन गया ना, मैं सच में बता रही हूँ मैं इतनी खुश हुई ना, मैं क्या ही बताऊँ. मतलब मैं लिटरली कोई भी नेल आर्ट बना के जितना खुश नहीं होती, ये वाली नेल आर्ट बना के मुझे खुशी भी हुई और मुझे अपने नेल्स को देखने में अच्छा भी लगा. यू नो, जब भी मैं कैरेक्टर वाली नेल आर्ट बनाती हूँ ना, जैसे सिंचान की एक नेल आर्ट बनाई थी मैं, इतनी बुरी नेल आर्ट बनी थी. कुछ लोगों ने तो कमेंट भी किया था सिंचान इज क्राइंग इन द कॉर्नर. मुझे बुरा तो लगा वो कमेंट पढ़ के, बट यार जब आपकी नेल आर्ट अच्छी नहीं बनती है ना तो आपको अंदर से बहुत बुरा फील होता है, यार मैं क्या बना रही हूँ, यार मैं अच्छी नेल आर्टिस्ट नहीं हूँ, ऐसा फील होता है. ओके,
बट जब ये अच्छे से बन गए ना, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही थी जब इसका रिजल्ट आ गया। ये जो मैंने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में हार्ट बनाई हो ना, वो मैं इसलिए बनाई थी ताकि अगर मैं ज्यादा कैरेक्टर बनाने में लग गई ना, तो हो सकता है कि खराब कर दूं पूरा नेल आर्ट। इसलिए ना मैं मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में बस हार्ट बना दी, और बुबू एंड डूडू की जो व्हाइट और ब्राउन कलर होती है ना, उसकी हाफ हाफ उसको मतलब फिल कर दिया। उसे रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। वैसे आपको ये नेल आर्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके बाय।